नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 85वां दिन है और मैं यहाँ टीपरास गांव से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ पूर्ण रूप से आनंद में। सुबह के 7:30 बजे और हम लोग यहाँ से नीमावर की तरफ में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे पास ही के अंदर एक संगम आने वाला है, तो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमको एक नदी देखने को मिलेगी जो कि मैया के पास में जा रही है। तो हम नदी में प्रणाम करके, नदी को छू के मैया तक अपना प्रणाम पहुँचाएंगे और वहीं पे हम थोड़ी देर अपना आनंद लेंगे। और चलिए यूं ही परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते और सुबह का सूर्योदय का ये वक्त और सामने लहराते हुए खेतों के बीच में से परिक्रमा में आनंद में चलते हैं। अरे यार, सुबह के 7:40 हुए हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मौसम में अभी भी सर्द ऋतु को महसूस करा जा सकता है। यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग कौन सा होगा? ऐसे बड़ के वृक्ष के नीचे दुकान का होना, हाँ हाँ, नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर। तो यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यहीं से ही 1.5 किलोमीटर की दूरी पे फतेहगढ़ गांव आता है, जहाँ पे कल जाने के लिए बोर्ड हमने पढ़ा था, जहाँ पे अभी रास्ता बंद है, जाना मना है। और आप यहाँ से इस गांव से होते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप वहाँ जाते भी हैं तो आपको वापस इधर ही आना रहेगा टीपरास गांव पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल मैया के पास में चल रहे हैं। तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मैया है और उसी का ही असर है कि सुबह सुबह का हमारा आज का दिन बड़ा ही आनंद में और अधिक आनंद में प्रारंभ हुआ है। और यहाँ से तकरीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पर ही वो नदी आ गई है जहाँ पे हमें पहुँचना है। और उसके बाद में तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम आएगा जहाँ से हम फिर मैया के साथ साथ में परिक्रमा में आगे आनंद में बढ़ते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ में यूं ही आनंद में नर्मदे हर। यहाँ मार्ग पे दरवाज़ा लगाया गया है और इसे बंद रखा गया है। चलो, हमने दरवाज़ा पार कर लिया। लगता है कि खेतों की सुरक्षा के लिए इसे यहाँ पे लगाया गया है ताकि एक ही साथ में ये पूरा खेत सुरक्षित रखा जा सके जानवरों से। तो ये देखिए, ये आ गई है एक नदी, ये है संगम यहाँ पे। और हमको ये छोटी सी नौका के अंदर यहाँ से वहाँ पार करना रहेगा। यहाँ पे सभी संत स्नान कर रहे हैं। तो मेरे साथ में केवल राम और यही हमारे केवट हैं जिन्होंने हमारी ये नदियाँ पार कराई है और मैया के साथ हमको आगे लेके जा रहे हैं। अब हम यहाँ से हमारी परिक्रमा को आनंद में आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर। देखिए, हमने गांव की दुकान में पूछा कि फतेहगढ़ से क्या साधन है नौका से नदी को पार करने का, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपको वापस यहीं पे आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने केवट से पूछा कि यहाँ पे भी दो नौका हैं तो क्या आगे फतेहगढ़ पे जो मंदिर है वहाँ से नौका से पार करा जा सकता है, तो उसने कहा हाँ महाराज, वहाँ पे भी नौका चलती है और वहाँ से आप पार करेंगे तो आगे हनुमान मंदिर आ जाएगा। तो देखिए, इधर जाने से क्यों रोका जा रहा है या क्यों इधर से भेजा जा रहा है मुझे नहीं पता, निर्णय आपको लेना है। हम तो बिल्कुल आनंद में हैं। हम मैया से थोड़ा दूरी पे चल रहे हैं पर बिल्कुल मैया पास में ही है। कोशिश करता हूँ यहाँ से अगर दिखाई दे तो, नहीं तो आगे जाने के बाद तो शायद हम मैया के बिल्कुल पास आ जाएंगे। हम आनंद में बने रहते हैं,
बिना किसी चिंता के जो मैया करवा रही हैं हम वो कर रहे हैं पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्वल्प आहार और चाय मिलेगी। अभी 8:45 पे मैं मेल पिपलिया गांव में पहुंचा और यहां पे बड़े ही प्यार से हमारा स्वागत करा गया। जितने भी परिक्रमावासी हैं उनको फूलों से स्वागत करा जाता है, उनके चरणों को स्पर्श करा जाता है और उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ में बैठाया जाता है। उसके बाद में नर्मदे हर बड़े ही प्यार से बाल भोग कराया गया। बाल भोग में हमने मट्ठा पिया जो कि जीरे का छोंक का था और में थोड़ा सा चीनी भी डाला गया था, बड़ा ही स्वादिष्ट था। और उनको धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। 9:10 हो गए हैं, अभी तक हमने 3 किलोमीटर की परिक्रमा की दूरी तय कर ली है। चलिए यहाँ पे गांव आ गया है तो यहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया जाए। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत गांव मेरे को ये देखने को मिला। सीमेंट का रोड है और दोनों तरफ में आप देख पाएंगे कि गोबर का लेप करा गया है जहाँ पे हम फुटपाथ बनाते हैं। और सभी घर एकदम साफ सुथरे और सफ़ेद कलर सभी घरों के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा ये गांव मुझे देखने को मिला है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। हाँ हाँ भैया, नर्मदे हर। कैसे हैं आप? कैसे हो? स्वास्थ्य एकदम बढ़िया? सिलाई का काम करते हो? दिखाई देते हैं बराबर? सुई लगा लेते हो आराम से? बढ़िया। नर्मदे हर भैया। तो हमारे साथ में यहाँ पे विश्वकर्मा जी हैं और ये लाल मिट्टी और गोबर मिला के पुताई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा सभी घरों की दीवारें बाहर से सफेद रंग है, तो अंदर बाहर जैसा पोतते हैं, जो एक ने पोत दिया पहले हाँ। वही पोतेंगे टोटल, अलग कलर कोई नहीं करता है, कोई अलग कलर नहीं करता, सिर्फ नील चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, बाकी टोटल एक ही कलर है। अच्छा, और ये घर के बाहर भी सब पोताई कर लेते हैं? ये घर के बाहर टोटल के यहाँ होता है। अभी क्या है थोड़ा ये इसका सीजन चल गया है, पोताई नहीं मिलता है इस वजह से, थोड़ा बुरा पड़ गया, नहीं तो हमेशा ऐसा लाल। बहुत बढ़िया, लेकिन गांव बहुत सुंदर दिख रहा है इसकी वजह से। एक जैसा तो काफी सुंदर लग रहा है, जैसे शहरों में सोसाइटी बनती है तो एक जैसे घर होते हैं, बस वो वैसे ही एक मोहल्ला है ये। और राजस्थान के अंदर तो कई शहर ऐसे हैं, जैसे जयपुर गुलाबी नगरी है तो पूरा गुलाबी गुलाबी दिखेगा आपको, उदयपुर जो है नीला नीला शहर है, ऐसे ही बिल्कुल ये व्हाइट हल्का सा। बहुत बढ़िया मैया, यहाँ हमारे लिए जल्दी आई है। नर्मदे हर मैया। देखिए कैसे एक एक चीज को रंग करा गया है और उसे बिल्कुल सजा के रखा गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत तेज पवन चल रही थी और मैं कुछ वक्त इन खेतों को लहराते हुए देख रहा था। तो देखिए पीछे बहुत ही खूबसूरत गांव था और साथ में ये भी बताया कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को वो लोग पूरी ये रंगाई पुताई का काम करते हैं, गोबर का जो पुताई वाला काम करते हैं वो भी करते हैं, साथ ही में जो पूरी सड़क है उसको भी रंगोली से पूरा सजाते हैं। तो जब आप सड़क मार्ग पर इस तरह से गाँव के बीच में से जा रहे होंगे तो ज़रूर आपको बिल्कुल एक अलग ही आनंद और अनुभव होगा कि किस तरह से
न कि सिर्फ घर के अंदर सुंदरता को बरकरार रखा गया, पर घर के बाहर भी सड़क को भी इतना साफ सुथरा और रंगीन बना के रखा गया है। अगर सभी तरह से इसी तरह से गांव हो जाए तो कितना आनंद आए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे गाँव को तो बिल्कुल प्रेज करना चाहिए और बाकी गाँव तक ऐसे मैसेज पहुँचाने चाहिए। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नर्मदे हर। देखिए खेतों की कटाई के लिए बड़े बड़े कटर आ चुके हैं यहाँ पे। गांव से बाहर निकलते ही कुछ ही दूरी पे चलने पे मुझे ये नर्मदा मैया का मंदिर दिखाई दिया। नर्मदा मैया के दर्शन करने के बाद मैं पास ही में महादेव का शिवलिंग रखा हुआ था यहाँ पे। कुछ वक्त बिताने के बाद मैं पास ही में मैया को यहाँ से निहार रहा था। मंदिर के ऊपर के स्थान से आप मैया को बिल्कुल नज़दीक से और करीब से देख पाएंगे। यहाँ से मैया की दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर की रहेगी। ये भी एक अच्छा स्थान है। अगर बहुत ही बढ़िया ये स्थान, यहाँ से मैया के दर्शन हो गए और यहाँ से भी अभी परिक्रमा मार्ग में मैया के साथ साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैया के नज़दीक ही हैं। बहुत ही दिनों बाद में मैया के दर्शन इस तरह से हुए हैं। और सामने की तरफ जो पहाड़ है और पहाड़ के पास में से ही मैया का यूँ बहते हुए जाना बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण दृश्य ही है। आगे देखते हैं हम लोग जल्दी कहाँ मैया के घाट के एकदम नज़दीक पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्थान आप देख रहे हैं। चारों तरफ खेत हैं तो ज़रूर इस तरफ भी एक तरफ मैया के पहाड़ होगा और दूसरी तरफ में ये खूबसूरत खेत और मैया के पास हम लोग बैठे होंगे बिल्कुल आनंद में। दस बजकर 50 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन अभी तक मैं 9 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। नर्मदे है और नर्मदे हर के यहाँ नज़दीक में ही कोई स्थान बैठने का। इस गांव के बारे में भी ज़रा जानते हैं। नर्मदे हर कौन सा गांव है ये? अरे एक एक करके सिरालिया रेवाती। तो हम लोग सिरालिया रेवाती गांव में हैं अभी। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जाते हुए शोले मूवी के नर्मदे हर। ग्यारह बजकर 35 मिनट पे यहाँ हनुमान मंदिर से मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे जो ग्रामवासी बैठे थे इनके साथ कुछ वक्त बिताया। अब बिताने के बाद में हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन मुझे अगर नीमा और पहुँचना है तो 17 किलोमीटर की दूरी मुझे यहाँ से तय करनी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिल्कुल आनंद में मैया के साथ साथ में बिना धूप की चिंता करे धीरे 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 आज चलते ही रहना है। भोजन के बारे में चिंतित नहीं होना है और बस परिक्रमा में यूँ ही आनंद में बने रहना है। तो चलिए जहाँ जैसा कुछ मिलेगा चलते चलते लेते रहेंगे और नीमावर तक हम पहुँचेंगे आनंद में। नर्मदे हर। देखिए पवन चल रही है और नीम के पत्तों से सूखे पत्ते अब पतझड़ में नीचे बिखर के आ रहे हैं। नीम के पत्तों को इस तरह से इकट्ठा करके जला दिया जाता तो मच्छर भी उड़ जाते।
देखिए गांव कैसा भी हो, लेकिन वहाँ पे दुकानों में आप देख पाएंगे कि स्त्रियों के सुंदरता से संबंधित सभी सामग्री आपको दुकान में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है आश्रम के रूप में। यहाँ पे मैं थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठा था और एकदम से नींद आ गई। 2 बज गए हैं और वापस परिक्रमा बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। बीच में अगर कुछ मिलता है भोजन प्रसादी तो नहीं, हल्का फुल्का छाछ वगैरह, तो हम बिल्कुल आनंद में लेके इसको बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज हमें तकरीबन अभी 15 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। हालांकि इतना वक्त है कि हम आराम से 15 किलोमीटर चल पाएँ। देखिए एक ठहराव आ गया है कि जब जब हम पानी को देखते हैं तो बिल्कुल आनंद में रुक जाते हैं। मन तो हो सकता है नहाने का, लेकिन नहाएंगे नहीं, यहाँ पे बहुत जगह कम है। जल के अंदर दोपहर में इस तरह से बादलों को और वृक्षों की परछाई को देखने का अलग ही आनंद है। अभी अभी बाइक वाले ग्रामवासी पूछते हुए गए, महाराज बाइक पे बैठेंगे क्या? हमने कहा नहीं, पैदल ही परिक्रमा में। नर्मदे हर। यहाँ पे भैंस, गेंदे के पुष्प और मैया, हमने थोड़ी छाछ पूछी है और यहाँ हमको थोड़ी छाछ मिल गई है मैया के पास से। मैया बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ग्लास में मिल जाएगा? तो यहाँ हमें एक ग्लास छाछ मिल गई, और ग्लास तो 2 थे लेकिन छाछ बहुत गाढ़ी थी और इतना पी भी नहीं पाते हम, तो आनंद आ गया। ग्लास छाछ में थोड़ी खट्टी भी थी। अब हमें धूप में चलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल हम आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। मैया बिल्कुल हमारा ध्यान रख रही हैं। देखिए मुश्किल से 20 मिनट हुए हैं अभी, और 20 मिनट में हमको मैया ने छाछ की भोजन प्रसादी करा दी है। अब हम बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। गाय यहाँ पे झाड़ियों में फंस गई है। कहाँ मैया, कोशिश कर रहे थे आप जाने के अंदर, कैसे निकालूं आपको? मैया जो चाहती थी वो हो गया, गाय की चिंता ना करें। यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर लें, 3:20 हुए हैं। 2 मिनट के लिए थोड़ी छाँव में हवा ले लें और फिर परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। मैया हमसे बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो दूर देख रहे हैं आप जो बिजली के तार जा रहे हैं वहाँ कहीं से मैया साथ साथ में हमारे हैं और हम मैया के साथ में। नहीं है। नर्मदे हर। इधर आश्रम है। इंटरनेट पे डाला है ना? अच्छा, पूरा विश्व देख रहा है इसको तो। किधर से जाना है पक्का? नर्मदे हर। तो देखिए वो ऐसा कि जब परिक्रमावासी जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे अंदर कुछ आश्रम में व्यवस्था है क्या भोजन की, तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, वहाँ पे तो सिर्फ चाय मिल रही है, चाय पीनी है तो आप जा सकते हैं, हम तो बस चाय पी के आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि वहाँ चल के थोड़ा विश्राम करना चाहिए। वहाँ गया तो सभी वहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और बातों में उन्होंने पूछ लिया कि महाराज आपने आज भोजन लिया या नहीं लिया। हालाँकि 4 बज रहे थे इस वक्त पे, कोई पूछता नहीं है ऐसे, पर इन्होंने यहाँ पूछा और मैंने बताया कि आज भोजन प्रसादी नहीं हुई है। और देखिए मैया की कृपा, मेरे लिए तुरंत भोजन बन गया और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। आप देख सकते हैं किस तरह से प्यार से थाली में सजा के मुझे परोसा गया।
तो मैया की कृपा हम पे पूर्ण रूप से बनी हुई है और हम बिल्कुल आनंद में 4 बजे भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम परिक्रमा में 4:37 पे यहाँ से निमावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। देखिए हम मैया के एकदम पास आ गए हैं और इतना समीप आके हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक बागदी संगम भी है। तो चलिए पहले आपको मैया के नज़दीक से दर्शन कराता हूँ, फिर हम परिक्रमा मार्ग में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ से मैया के पास में होना। और इस वक्त पे पूरे दिन से सोचा भी नहीं था कि मैया के इतने पास जाने का मौका मिलेगा। दूर से तो दर्शन हुए थे पर इतने नज़दीक आके दर्शन होंगे। नर्मदे हर। आप लोग भी मैया के दर्शन के आनंद लीजिए, फिर हम परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। देखिए 5:45 और मैं बाहर सड़क मार्ग से सीधा सीधा आगे जा रहा था क्योंकि वक्त हो गया है तो चाय के लिए भी परिक्रमावासी को रोका जाता है। तो चाय के लिए मुझे आवाज़ आई और फिर यहाँ पे एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से बोला कि महाराज कल सुबह मैं आपको लेके चल लूँगा, आपका वज़न मैं उठा के चल लूँगा, लेकिन आप यहीं पर रुकिए और निमावर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ भाग भाग के जाएंगे, वक्त हो गया है बस आप यहीं पर आसन लगा लीजिए और हम आपको चाय पिलाते हैं। देखिए बेहद ही खूबसूरत स्थान। और पहले तो ये हमारे पास जो चाय है ये बहुत ही खास बर्तन में आई है, ये बिल्कुल नारियल से बना हुआ है और नीचे भी इसका नारियल का बेस है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय। और जो चाय है वो लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई है तो उसमें एक अलग महक भी आ रही है। और चाय के साथ में हम बिल्कुल मैया के साथ में, तो देखिए बिल्कुल साथ साथ में आज बड़े और यहाँ से मैया के दर्शन कर रहे हैं और शाम की चाय हम आज मैया के साथ ही बैठ के पियेंगे यहीं पे घाट पे। तो चलिए मैं आपको सूर्यास्त से पहले मैया के दर्शन कराता हूँ और फिर हम चाय का आनंद साथ में बैठ के वहाँ पे नीचे लेते हैं। गाओ जोर से गाओ, बहुत अच्छा गा रहे थे। हाँ तो ऐसे ही गुनगुना, बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे। इतना ही आता है, बहुत बढ़िया गाया, शुक्रिया। नर्मदे हर। तो आज की इस आनंद में परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज शाम को हम यहीं पे विश्राम करेंगे और आज की परिक्रमा में तकरीबन हमने 21 किलोमीटर की दूरी तय करी और शाम को संध्या के वक्त सूर्यास्त के पास में हम चाय के साथ में मैया के पास में आनंद में रहने वाले हैं। कल हम यहीं से परिक्रमा को फिर आगे बढ़ाएंगे। आज की संध्या कैसी लगी आपको और पीछे का पूरा वीडियो कैसा लगा आज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आनंद में बने रहें यूँ ही मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में, बिल्कुल मैया के साथ साथ हम चलते रहेंगे आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
तो देखिए नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये बालक था जिसने हमें आज परिक्रमा में आगे बढ़ने से रोका है। क्या नाम है महाराज जी? हमने तो नहीं रोका, मायने रोका है आपने। अरे वाह वाह, बड़ा ही समझदार बालक है। क्या नाम है आपका? हिमांशु पवार। हिमांशु पवार ने इतने प्यार से मुझे बोला ना, महाराज सुबह आपका सामान मैं ले जाऊंगा लेकिन आप यहीं रुकेंगे, और हम इतने प्यार से बोलने पे रुक गए। शुक्रिया नर्मदे यार। ये हमारी गोपाल टीम है महाराज जी। हाँ ये हमारी गोपाल टीम है। हाँ। पीछे शंकर मंदिर देख रहे हो आप जी, ये हमारी समिति ने ही निर्माण करवाया है अभी। अच्छा, और ये सब बच्चे ने ही करवाया है। हाँ। ये हमारे सामने बैठा है, इसका कई नाम है? अमित नाम इसका। हाँ। ये सब यही गाँव में रहते हैं? सूरज इसका नाम, यही गाँव में रहते हैं। अर्जुन, बाबू मतलब दिब्बू, और इधर शिवम। देखो तुम्हें अपनी टीम का नाम भी याद नहीं है, गलत बात है। नहीं महाराज जी, हमारा उनका अलग नाम है, भूल गया। भूलना नहीं होता है ना ऐसे। हर से बोलते हो देखा तो सब यहीं गांव में रहते हैं जी? गांव में रहते हैं। सब स्कूल जाते हैं? सब जाते हैं। और यहाँ पे शाम को जी, यहाँ शाम को खेलने आ जाते हैं सब? शाम को खेलते हैं महाराज जी। बहुत बढ़िया। चलो यहीं पे आज नर्मदा परिक्रमा को विराम देते हैं, बच्चों के साथ में आनंद लेंगे। बने रहिए हमारे साथ में इस नर्मदा परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। कल हम यहीं से सिनेमा वर्क के लिए परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की संध्या आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नर्मदे हर।